बच्चों, आज हमारा जो विषय है यह है पृथ्वी की उत्पत्ति। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, क्योंकि जब हम रात को आसमान में देखते असंख्य तारे दिखते हैं, हम पृथ्वी को देखते इतनी सुंदर, हमारी पृथ्वी, हमारी प्रकृति कितनी सुंदर है, हम वास्तव में सोचते हैं कि इतनी सुंदर पृथ्वी हमको कहाँ से मिली। इतना खूबसूरत जो वातावरण है, दिन में अलग वातावरण होता है, रात में अलग वातावरण होता है, कितनी चीज़ें हमको पृथ्वी ने मुफ्त उपहार में दी है, हवा, पानी, ऊर्जा, ताप, ये सब हमको मुफ्त में मिला हुआ है। तो ये सब नज़ारे देखने के बाद वास्तव में हमारे दिल में यह निरंतर ऐसे सोच आते रहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, कैसे ये हरे भरे वृक्ष आए, कैसे जलाया, आदि आदि बातें। और इसी संदर्भ में बच्चों आज हम कुछ चर्चा करेंगे। बच्चों, पृथ्वी कहाँ से आई? यदि हम ऐसा सोचें तो पृथ्वी क्या है? हमारे ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, हमारे सौर परिवार का एक सदस्य हम इसे पृथ्वी को कह सकते हैं। सौर परिवार क्या है? पृथ्वी और उसके 9 ग्रह, इसे हम सौर परिवार कहते हैं। लेकिन यह पृथ्वी या यह सौर परिवार कहाँ से आया? क्या एक ही सूर्य है और इसके 9 ग्रह है? क्या हमारा जो ब्रह्मांड है इतना ही सीमित है, या फिर हमारा ब्रह्मांड और भी विस्तृत है? इन सब बातों की चर्चा यदि हम करें तो हम बहुत अतीत में हमें जाना होगा, ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। बच्चों, लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ऐसा माना जा सकता है कि ब्रह्मांड जो है वह कुछ घने पदार्थ जो बहुत अधिक तापमान से युक्त था और इसका घनत्व जो है असीम था, ऐसे पदार्थ का एक गोला विद्यमान था। अचानक इस गोले में विस्फोट होता है और विस्फोट के साथ ही यह पूरा पदार्थ जो है यह चारों तरफ बिखर जाता है, इनका विलगाव होता है, बिखराव होता है, विस्तार होता है। और इनके विस्तार के साथ ही कुछ पदार्थ जो कुछ कणों में विद्यमान हो जाते हैं, ये ताप और ये जो घनत्व वाले पदार्थ है, ये पदार्थ कुछ कणों के रूप में बिखर जाते हैं और धीरे धीरे इन कणों का आपस में एक दूसरे की ओर आकर्षण होता है। यह जो अलगाव के कारण बिखरे हुए पदार्थ है, इनका धीरे धीरे कहीं कहीं आकर्षण हो रहा है, कहीं ये बिखरते चले जा रहे हैं, और इससे कुछ छोटे छोटे पिंडों का सृजन होता है, छोटे छोटे पिंडों का निर्माण होता है। और यही जो पिंडों का समूहन होता है, यह समूहन कालांतर में इसको आकाशगंगा या गैलेक्सी के नाम से जाना गया। ये गैलेक्सी काफ़ी विस्तृत, कहीं पर पिंडों का समूह, कहीं पर गैस राशियों का विस्तार, कहीं पर छोटे बड़े धूल के कण, और इस प्रकार से इन पिंडों का या इस आकाश गंगा का निरंतर विस्तार होता रहता है। यह जो निरंतर विस्तार है, यह विस्तार बहुत तेजी से होने लगता है और आकाश गंगा बहुत तेजी से काफ़ी दूर दूर तक फैल जाती है, इतनी दूर कि हम सोच भी नहीं सकते कि आकाश गंगा का विस्तार कितने दूर तक हो रहा है। और फिर इस प्रकार से यह फैलाव निरंतर निरंतर जारी होता है, और निरंतर जारी होने से फिर आकाशगंगा में जो छोटे छोटे पिंड बनते हैं, इन पिंडों का भी कभी कभी विस्फोट हो जाता है। आकाशगंगा में जो पिंड बने हुए हैं, इन पिंडों का विस्फोट होता है। ये पिंड तारों के रूप में निर्मित होते हैं।
और इनके विस्फोट के साथ अब कई तारों का निर्माण होता है। तो बच्चों, आकाशगंगा में अनेक तारे हैं और इन तारों में एक तारा जो है यह हमारा सूर्य है। तो सूर्य जैसे असंख्य तारों का निर्माण इस आकाशगंगा के विस्फोट से हुआ और फिर इन तारों में कई तारे दूर दूर बिखर गए। ये तारे एक दूसरे से पर्याप्त दूर चले गए। फिर अचानक एक तारा, इसमें भी विस्फोट होता है और इसके विस्फोट से फिर कई छोटे बड़े जो पदार्थ हैं ये पदार्थ ब्रह्मांड में चारों तरफ फैल जाते हैं। तो ये जो पदार्थ फैले हुए हैं, इन पदार्थों में कुछ छोटे कण, कुछ बड़े कण, कुछ गैस राशियाँ, तापमान, यह सब विद्यमान होता है। कुछ छोटे छोटे जो पिंड होते हैं, ये पिंड आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और उसके फलस्वरूप कुछ बड़े बड़े पिंडों का निर्माण होता है। यह पिंड धीरे धीरे अपने आसपास के पदार्थों को आत्मसात करते हुए अपने आकार को बड़ा करने लगता है और इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण होता है। और यह जो ग्रह है, यानि एक तारा जिसका विस्फोट हुआ, यह सूर्य है और उस सूर्य से विस्फोट के बाद कुछ पदार्थ बिखर गए। ये बिखरे हुए पदार्थ एक दूसरे को आत्मसात करने लगे और आत्मसात करने के बाद इन पदार्थों का आकार निरंतर बढ़ता चला गया और कालांतर में यह ग्रहों के रूप में हमारे सामने में आते हैं। यह जो ग्रह है, इस प्रकार से हमारा ग्रह और सूर्य के साथ मिलकर के सौर परिवार का निर्माण होता है। सौर परिवार जिसमें सूर्य है, नौ ग्रह है, इन नौ ग्रहों में पृथ्वी भी एक ग्रह है, यानी हमारी जो पृथ्वी है यह सौर परिवार का एक सदस्य है। और यह सौर परिवार क्या है, यदि हम बच्चों इसकी विशेषताओं को जानने का प्रयास करें तो हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है सौर परिवार के बारे में, इसमें हम देखते हैं कि सौर परिवार का आकार वृहत तश्तरी नुमा आकार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी बड़ी तश्तरी जैसे आकार में पृथ्वी हमें दिखाई दे रही है। इसके केंद्र में सूर्य है और आप इसके चारों तरफ देख रहे हैं नौ ग्रह विद्यमान है। ये नौ ग्रह जो है ये सूर्य से पर्याप्त दूरी पर है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक तारे का विस्फोट होता है और विस्फोट से निकले हुए विभिन्न पिंड या विभिन्न जो पदार्थ होते हैं इनसे ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो ये जो ग्रह है ये सूर्य से निकले हुए पदार्थ हैं और ये सूर्य के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं, जिसे हम परिक्रमण की गति कहते हैं। दूसरा, यह ग्रह अपने आप में भी गोल घूम रहे हैं, इसे हम परिभ्रमण की गति कहते हैं। तो इस प्रकार से दो गतियां, स्वयं में घूमना परिभ्रमण या रोटेशन कहलाता है और सूर्य का चक्कर लगाना ये रिवॉल्यूशन कहलाता है या परिक्रमण कहलाता है। तो प्रत्येक ग्रहों का, क्योंकि सूर्य से काफ़ी दूर तक इनका विस्तार है और इसलिए इनका जो परिभ्रमण या परिक्रमण का जो अक्ष है, इस अक्ष में ये निरंतर घूम रहे हैं। प्रत्येक की गति में अंतर है और इस आधार पर ये अलग अलग समय में एक स्वयं का चक्कर लगाते हैं और दूसरा सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। इनकी अवधि में पर्याप्त भिन्नताएं देखने को मिलती है। ये जो ग्रह है यह सूर्य का, ये जो तश्तरी नुमा जो वृहत क्षेत्र है, इसका व्यास लगभग 1173 करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ है और जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी की सूर्य से जो दूरी है यह लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है।
पृथ्वी का घनत्व 5.52 घन मीटर है। तो इस प्रकार से पृथ्वी सौर परिवार का एक सदस्य है। इस पृथ्वी की स्थिति, इसका आकार, इसकी संरचना, यदि हम इन सब को देखें तो पहले हम ग्रहों के आकार और संरचना का अध्ययन करें। तो ग्रहों का आकार और संरचना क्या है? ग्रहों को हम देखते हैं, दो प्रकार के ग्रह कहलाते हैं। एक कहलाता है आंतरिक ग्रह, जो इस तश्तरी नुमा आकार में सूर्य के निकट विद्यमान है, हम इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, और जो सूर्य से पर्याप्त दूरी पर विद्यमान है, इन्हें हम बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रहों में चार प्रमुख ग्रह है, सूर्य के सबसे निकट बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी और फिर मंगल। ये चार प्रमुख ग्रह आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, और यह ग्रह जो है ये भारी पदार्थों से, अर्थात धातुओं से और सिलिकेट से इसका निर्माण हुआ है, और उसके कारण यहाँ पर सौर पवने जो है ये इस क्षेत्र में विद्यमान नहीं है, और सौर पवने यहाँ से काफ़ी दूर चली गई है। ये ग्रह क्रमशः बड़े हैं, लेकिन मंगल ग्रह एक अपवाद स्वरूप है। बुध सबसे छोटा, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, इनका आकार क्रमशः बढ़ता पाया गया है, लेकिन मंगल पृथ्वी से छोटा ग्रह है। यह अपवाद स्वरूप हम इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये चार आंतरिक ग्रह है, और चार जो ग्रह है यह बाह्य ग्रह है। इन ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये चार बाह्य ग्रह कहलाते हैं। ये बाह्य ग्रहों की जो रचना हुई है, इसमें गैसों की प्रधानता है। हाइड्रोजन और हीलियम, इन गैसों की प्रधानता है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन के यौगिक है, जिसमें जल, अमोनिया और मीथेन, ये प्रमुख गैसें हैं, और इनका, इनसे ये बाह्य ग्रहों का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह, बच्चों मैंने 9 ग्रहों की बात की है, लेकिन मैंने अभी 8 ग्रहों का ही उल्लेख किया है। बच्चों आपको बता दूं कि प्लूटो एक और 9वां ग्रह था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोल संगठन इसने 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को ग्रह की मान्यता से हटा दिया। अब प्लूटो जो है यह एक बावना ग्रह के रूप में हमारे जो सौर परिवार में विद्यमान है। तो इसलिए अब हम वर्तमान में केवल 8 ग्रहों का ही अध्ययन करते हैं। बच्चों ये तो हमारे सौर परिवार में पृथ्वी की बात हुई। पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, ये जैसा भी मैंने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद आकाश गंगा का निर्माण हुआ, और आकाश गंगा के निर्माण के बाद तारे बने। यही तारे, या इसे हम निहारिका भी कहते हैं, इस तारे के विस्फोट से सौर परिवार की उत्पत्ति हुई है। तो यह तो पृथ्वी की उत्पत्ति की घटना है, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में अभी भी मतभेद है, और यह सिर्फ अभी नहीं है, प्राचीन काल से आज तक पृथ्वी के निर्माण में विद्वानों में मतभेद रहे हैं। हम यदि अपने पुराणों को देखें, धार्मिक ग्रंथों को देखें, तो धार्मिक ग्रंथ के अनुसार पृथ्वी का निर्माण जो हुआ है, इन बातों को वर्तमान वैज्ञानिक नहीं स्वीकारते, और इसलिए वैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार, वैज्ञानिक संकल्पनाओं के आधार पर पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है, इसमें दो प्रकार की हाइपोथेसिस या दो प्रकार की परिकल्पनाएं
हमारे सामने में आती है। इन दो परिकल्पनाओं में एक है अद्वैतवादी संकल्पना, हम या परिकल्पना इसे कहते हैं, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट इसे कहा जाता है, और दूसरा है द्वैतवादी संकल्पनाएं, ड्यूअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। ये दो प्रकार की संकल्पनाएं हमारे सामने में आती है। अद्वैतवादी संकल्पना के अनुसार एकमात्र सूर्य या जो एकमात्र तारा था एक निहारिका है, और इससे पृथ्वी या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति होती है। जबकि जो द्वैतवादी संकल्पना है, इस संकल्पना के आधार पर सूर्य के साथ किसी अन्य तारे या अन्य ब्रह्मांडीय तत्वों के संयोग से पृथ्वी या अन्य ग्रहों की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों में जो ये मतभेद है, इन मतभेदों के बावजूद समय समय पर बहुत से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लेकिन प्रायः विद्वान यही मानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से हुई है, और इसलिए हम इसको पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। एक परिवार के तहत सौर मंडल में सौर परिवार है, यानी सूर्य उसका मुखिया है, और सूर्य से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, जिसे हम पेरेंटल हाइपोथेसिस के रूप में भी जानते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस संबंध में सबसे पहले फ्रांसीसी विद्वान ने सन 1749 में, विद्वान रहे हैं कास्ते दी बफन, इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, और इसके बाद निरंतर वैज्ञानिक विचारधाराओं पर आधारित बहुत से पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विचार हमारे सामने में आए हैं, जिसमें इमैनुअल कांट, लाप्लास महोदय, रॉस महोदय और लॉकियर महोदय जैसे नाम हमारे सामने में आते हैं, जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। आइए बच्चों, इसमें से हम कुछ सिद्धांतों का उल्लेख करें। सबसे पहले हम देखेंगे कांट की वायव्य राशि परिकल्पना, गैसियस थ्योरी। इस परिकल्पना के अंतर्गत सन 1755 में कांट महोदय ने पृथ्वी के उत्पत्ति के संबंध में एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी। यद्यपि इनकी परिकल्पना में इन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लिया, और इस आधार पर प्रारंभ में इनकी कल्पना को काफ़ी मान्यता मिली, लेकिन बाद में इनके इस परिकल्पना की उतनी ही आलोचनाएं भी हुई है। इमैनुअल कांट ने बताया कि ब्रह्मांड में पहले से ही आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। ये आद्य पदार्थ या प्रीमॉर्डियल मैटर हम इसको कहते हैं, ये पदार्थ ब्रह्मांड में पहले से विद्यमान थे। ये पदार्थ अत्यंत शीतल, कठोर, ठोस और तापहीन थे, लेकिन बाद में कांट ने मान लिया कि ये पदार्थ आपस में एक दूसरे से आकर्षित होने लग गए थे, अर्थात इनमें गति आ गई और ये पदार्थ एक दूसरे के आकर्षण में आने लगे और एक दूसरे से पास आने लगे थे। तो इस प्रकार से कांट महोदय ने इन पदार्थों के एक दूसरे के पास में आने से ये टकराने लगे, और टकराने से ताप और गति की उत्पत्ति होती है। ये आपस में टकराए जिससे तापमान उत्पन्न हुआ, और टकराने से गति उत्पन्न हुई जिससे ये अपने स्थान पर भ्रमण करने लगे।
इस प्रकार से कांट महोदय ने बताया कि ताप और गति का आविर्भाव पदार्थों के आपस में टकराने से होता है, और निरंतर पदार्थों के आपस में टकराने से या ये पदार्थ धीरे धीरे बढ़ने लगे, इनका आकार बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते ये एक वृहत रूप धारण करने लगा था। इस प्रकार से ताप में निरंतर वृद्धि हुई और अपने आकार को बढ़ाने के साथ इसकी गति में भी निरंतर वृद्धि होने लग गई थी, और निरंतर गति में वृद्धि के कारण ये काफ़ी तेजी से घूमने लगा, और इसमें इतनी तेजी से घुमाव होने लगा, परिभ्रमण होने लगा, जिसके फलस्वरूप ये संपूर्ण पदार्थ जो है ये मध्य से तेज होने लगे, और इससे केंद्रोपसारी बल का विस्तार होता है। केंद्रोपसारी या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यह निरंतर विकसित होने लगा, और उसके फलस्वरूप मध्यवर्ती भाग जो है वह हल्का होकर के इसमें उभार आने लग गया था, और इसकी गति और तेज हो गई। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि मध्यवर्ती भाग के उभार आने से, इनकी गति तेज होने से, किनारे के जो पदार्थ है उसकी गति अपेक्षाकृत धीमी हो गई, और किनारे के पदार्थ धीमी गति होने के कारण कुछ पदार्थ अलग होने लगे, और एक छल्ले के रूप में चारों तरफ का जो पदार्थ था एक छल्ले के रूप में बाहर आने लगा। धीरे धीरे यह पदार्थ बाहर आ गया, और इसी प्रकार से निरंतर यह गति जो केंद्रोपसारी बल के कारण जो परिभ्रमण तीव्र हो रहा था उसके कारण पहले एक छल्ला बाहर आया, और उसके बाद निरंतर 9 छल्ले क्रमशः बाहर निकले। ये जो 9 छल्ले थे ये छल्ले धीरे धीरे गांठ के रूप में परिवर्तित हो गए, इनमें जुड़ाव होने लगा था और एक गांठ बन गई, और ये गांठ अपने आसपास के पदार्थों को आपस में आत्मसात करने लगे। ये जितने छल्ले थे उतनी गांठों का निर्माण हुआ था। ये आपस में आसपास के जो पदार्थ है इसको भी खींचने लग गए थे, और उसके फलस्वरूप 9 गांठें बनी, और कालांतर में ये गांठें ठोस होकर के 9 ग्रहों का निर्माण होता है। इस प्रकार से इमैनुअल कांट ने अपने इस सिद्धांत को बताया। आगे इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से एक मुख्य जो आद्य पदार्थ में ताप और गति उत्पन्न होने से 9 छल्ले बाहर निकले और 9 गांठें बनी, 9 ग्रह बने, ग्रहों में भी इस प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ थी, ग्रह भी घूर्णन कर रहे थे, अपने स्थान पर गतिशील थे, और इनकी गतिशीलता से उपग्रहों का निर्माण होता है। इस प्रकार इमैनुअल कांट ने ग्रहों और उपग्रहों के निर्माण में वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत की। बचा हुआ जो पदार्थ है यह सूर्य कहलाया, लेकिन इनके इस सिद्धांत की भी आलोचनाएं हुई। इनके सिद्धांत में जो मूल्यांकन हुए थे उसमें से कुछ बातें कुछ इस प्रकार से हैं कि जब कण आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके टकराने से गति उत्पन्न होती है, साथ ही ताप की भी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से जब कण आपस में टकराएंगे तो ताप यदि बढ़ेगा, लेकिन कणों का आकार बढ़ते जाने से गति बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती, जबकि कांट ने कहा कि गति में और भी वृद्धि हो रही है। दूसरी आलोचना इस बात की हुई कि टकराव से गति तो उत्पन्न होती है, लेकिन यह कोणीय संवेग की स्थिरता, एंगुलर मूमेंट की जो थ्योरी है, इस सिद्धांत के विपरीत बात होती है, क्योंकि आपस में टकराने से गति उत्पन्न नहीं होती, परिभ्रमण नहीं होता। तीसरी जो आलोचना हुई है वो इस बात की होती है कि आकार बढ़ने के साथ गति बढ़ती है, जबकि विज्ञान इस बात को मानता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का आकार बढ़ेगा उसकी गति शिथिल होने लगती है।
तो ये तीन बातें कि पदार्थों के आपस में टकराने से गति और ताप में वृद्धि होती है, आकार बढ़ने से गति में निरंतर विकास हो रहा है, और इनके टकराने से परिभ्रमण और भी तेज हो रहा है, इन बातों की कांट महोदय की आलोचना की गई। लेकिन चूंकि कांट महोदय ने अपने सिद्धांत को वैज्ञानिक तर्क के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, इसलिए यह इनका सिद्धांत एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में आज भी मान्य होता है। यद्यपि इनकी परिकल्पना में इन्होंने वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लिया, और इस आधार पर प्रारंभ में इनकी कल्पना को काफी मान्यता मिली, लेकिन बाद में इनके इस परिकल्पना की उतनी ही आलोचनाएं भी हुई है। इमैनुअल कांट ने बताया कि ब्रह्मांड में पहले से ही आद्य पदार्थ बिखरे हुए थे। ये आद्य पदार्थ या प्रीमॉर्डियल मैटर हम इसको कहते हैं, ये पदार्थ ब्रह्मांड में पहले से विद्यमान थे। ये पदार्थ अत्यंत शीतल, कठोर, ठोस और तापहीन थे, लेकिन बाद में कांट ने मान लिया कि ये पदार्थ आपस में एक दूसरे से आकर्षित होने लग गए थे, अर्थात इनमें गति आ गई और ये पदार्थ एक दूसरे के आकर्षण में आने लगे और एक दूसरे से पास आने लगे थे। तो इस प्रकार से कांट महोदय ने इन पदार्थों के एक दूसरे के पास में आने से ये टकराने लगे, और टकराने से ताप और गति की उत्पत्ति होती है। ये आपस में टकराए जिससे तापमान उत्पन्न हुआ, और टकराने से गति उत्पन्न हुई जिससे ये अपने ही स्थान पर भ्रमण करने लगे। इस प्रकार से कांट महोदय ने बताया कि ताप और गति का आविर्भाव पदार्थों के आपस में टकराने से होता है, और निरंतर पदार्थों के आपस में टकराने से या ये पदार्थ धीरे धीरे बढ़ने लगे, इनका आकार बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते ये एक वृहत रूप धारण करने लगा था। इस प्रकार से ताप में निरंतर वृद्धि हुई, और अपने आकार को बढ़ाने के साथ इसकी गति में भी निरंतर वृद्धि होने लग गई थी, और निरंतर गति में वृद्धि के कारण ये काफ़ी तेजी से घूमने लगा, और इसमें इतनी तेजी से घुमाव होने लगा, परिभ्रमण होने लगा, जिसके फलस्वरूप ये संपूर्ण पदार्थ जो है ये मध्य से तेज होने लगे, और इससे केंद्रोपसारी बल का विस्तार होता है। केंद्रोपसारी या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है यह निरंतर विकसित होने लगा, और उसके फलस्वरूप मध्यवर्ती भाग जो है वह हल्का होकर के इसमें उभार आने लग गया था, और इसकी गति और तेज हो गई। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि मध्यवर्ती भाग के उभार आने से, इनकी गति तेज होने से, किनारे के जो पदार्थ है उसकी गति अपेक्षाकृत धीमी हो गई, और किनारे के पदार्थ धीमी गति होने के कारण कुछ पदार्थ अलग होने लगे, और एक छल्ले के रूप में चारों तरफ का जो पदार्थ था एक छल्ले के रूप में बाहर आने लगा। धीरे धीरे यह पदार्थ बाहर आ गया, और इसी प्रकार से निरंतर यह गति जो केंद्रोपसारी बल के कारण जो परिभ्रमण तीव्र हो रहा था उसके कारण पहले एक छल्ला बाहर आया, और उसके बाद निरंतर 9 छल्ले क्रमशः बाहर निकले। ये जो 9 छल्ले थे ये छल्ले धीरे धीरे गांठ के रूप में परिवर्तित हो गए, इनमें जुड़ाव होने लगा था और एक गांठ बन गई, और ये गांठ अपने आसपास के पदार्थों को आपस में आत्मसात करने लगे। ये जितने छल्ले थे उतनी गांठों का निर्माण हुआ था। ये आपस में
आसपास के जो पदार्थ है इसको भी खींचने लग गए थे, और उसके फलस्वरूप 9 गांठे बनी, और कालांतर में ये गांठे ठोस होकर के 9 ग्रहों का निर्माण होता है। इस प्रकार से इमैनुअल कांट ने अपने इस सिद्धांत को बताया। आगे इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से एक मुख्य जो आद्य पदार्थ में ताप और गति उत्पन्न होने से 9 छल्ले बाहर निकले और 9 गांठे बनी, 9 ग्रह बने, ग्रहों में भी इस प्रकार की प्रक्रिया प्रारंभ थी, ग्रह भी घूर्णन कर रहे थे, अपने स्थान पर गतिशील थे, और इनकी गतिशीलता से उपग्रहों का निर्माण होता है। इस प्रकार इमैनुअल कांट ने ग्रहों और उपग्रहों के निर्माण में वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत की। बचा हुआ जो पदार्थ है यह सूर्य कहलाया, लेकिन इनके इस सिद्धांत की भी आलोचनाएं हुई। इनके सिद्धांत में जो मूल्यांकन हुए थे उसमें से कुछ बातें कुछ इस प्रकार से हैं कि जब कण आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो उनके टकराने से गति उत्पन्न होती है, साथ ही ताप की भी उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से जब कण आपस में टकराएंगे तो ताप यदि बढ़ेगा, लेकिन कणों का आकार बढ़ते जाने से गति बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती, जबकि कांट ने कहा कि गति में और भी वृद्धि हो रही है। दूसरी आलोचना इस बात की हुई कि टकराव से गति तो उत्पन्न होती है, लेकिन यह कोणीय संवेग की स्थिरता, एंगुलर मोमेंट की जो थ्योरी है, इस सिद्धांत के विपरीत बात होती है, क्योंकि आपस में टकराने से गति उत्पन्न नहीं होती, परिभ्रमण नहीं होता। तीसरी जो आलोचना हुई है वो इस बात की होती है कि आकार बढ़ने के साथ गति बढ़ती है, जबकि विज्ञान इस बात को मानता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का आकार बढ़ेगा उसकी गति शिथिल होने लगती है। तो ये तीन बातें कि पदार्थों के आपस में टकराने से गति और ताप में वृद्धि होती है, आकार बढ़ने से गति में निरंतर विकास हो रहा है, और इनके टकराने से परिभ्रमण और भी तेज हो रहा है, इन बातों की कांट महोदय की आलोचना की गई। लेकिन चूंकि कांट महोदय ने अपने सिद्धांत को वैज्ञानिक तर्क के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया था, इसलिए यह इनका सिद्धांत एक आधारभूत सिद्धांत के रूप में आज भी मान्य होता है।